मजबूती पड़ो रखनो दिल में, दिल को दरिया वधर सामनो ना, चलनो कुल की रीति सदा, स्वार्थ से देर बसावनो ना। उपकार भलाई हो न हो, हरि से हेत हटावनो ना। ये जमलेश कहे हसरे वणो सदा, मर जावणो फिर ना आवणो या। ये जननी जने तो एड़ा जनो, अभी के दाता नहीं तोरी जे बाजड़ी, मैया मत न गमाजे। जननी जने तू एड़ा जनो, जैसे राणा प्रताप अकबर सूतो जेके, जड़े रेण सराणी सा। जननी जड़े तू चार जन मत जन की चाली, अब भीड़ पड़िया भागे नहीं, मैया विचारू है चालीस। गढ़ राखे तरव को अब ताही रखे कीर्ता, एक लिंग दीवान सिसोदिया। सूर वीर सिरीदार रे लिख लगी राज करे, सूर वीर सिरीदार रे निकलई राज करे। पादी लाव विराम, पादी लाव विराम एक लिंगी राज करे, पादी लाव विराम रे एक लिंगी राज करे। बोलो जगदम्बे मात की, जे जड़ राखे धर्म को ताही रखे किरतार, एक लिंग दीवान सिसोदिया। सूर वीर सिरदार जो धर्म का ऊपर अडिग रहे, भगवान वाकी रक्षा करे है, तो कड़ी प्रकार महाराणा प्रताप धर्म का ऊपर अडिग रिया कि महाराणा प्रताप में विपदा पड़ती है, और इस प्रकार में मातेश्वरी उनकी सहायता करती है। गढ़ दिल्ली सू करी चढ़ाई और करी बात सच, हिंदू पत्नी में वाड़ धनी वो अपनी ऊंची राखी मोच वो निकली राखी करे, ऊंची राखी मोच वो निकली राखी करे। पादी लाव मेरा एकली राज करे, सूर वीर सिरदार रे एकली राज करे। बोलो जगदम्बे मात की, गढ़ दिल्ली सुकरी चढ़ाई करी बादशाह कूच, हिंदू पत मेवाड़ धनी आपने ऊंची राखी मूछ। कदी बादशाह की गुलामी महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करी, तो ई मेवाड़ धरा के लिए कुण कुण वीर वीर गति प्राप्त की, नाम आज भी अमर है। कपन्ना पदमण सीगड़ी और जेमल फता की जोड़, अब खूनी खाड़ में पाडो बहायो, एक कल्ला सिंगरा ठोड़े एक लिंगी राज करे।
कल्ला सिंगरा छोड़ रे एक राजी करे बादी लाव मेरा ओ बादी लाव मेरा बोलो जगदम्बे देवात के पन्ना पद्मण सिंगणी भीमल पिता की जोड़ खूनी खाल में पाडो बहायो कल्ला सिंह राठौर कल्ला सिंह जी बाबूजी खूनी खाल का मैंने अत्रो रक्त बहायो अत्रो रक्त बहायो की एक पाडो भेगियो तो के बा जदी बादशाह खूब कोशिश करी पर छह महीना तक चित्तौड़गढ़ को पहलो दरवाजो पांडरपोल भी नहीं खुलवा सको तो बादशाह कहीं करे कबल से जीवियो नहीं बादशाह अब सोचे युक्ति और इतरो कई मेवाण घड़ी के हे करामात को छोड़ रे निकल राजी करे हे करामात को छोड़ रे निकल राजी करे पादी लावी लावे निकल राजी करे बोलो जगदम्बे बात की तो बड़ू अगर बादशाह नहीं जी सक्या तो बादशाह काई करे कि बल से जीतियो नहीं बादशाह सूच सोचे युक्ति और इतरो कई मेवाड़ धरी के हैं करामात को जो रशी कई करामात है जो आपा छह महीना का मैंने पहलो दरवाजो नहीं खुलवा सक्या तो अब बादशाह कहीं करे सोला कोटा बारह खंबा की ये छतरी ससे रामाई ये चोतर पास ना के माई ने मैं देवरे ढोली जो ढड़ाई रे निकल राजी करे देवरे ढोली जो ढड़ाई रे निकल राजी करे पादी लाव मिरावे किली राजी करे बोलो जगदम्बे मां तो बादशाह सासेरा का तलाव महीने जटे सोला कोठा और बारह खंबा की जो छतरी ही वीका महीने ढोलियो ढाल दे गुरु वहां पे बैठ जावे फोड़ जावे और चारों तरफ सेना को पैरों लगा देवे और भी छतरी के चारों मेर काई करे चौड़ाई 21 हाथ और सात हाथ गहराई ये छतरी के चारों ओर बादशाह ने खुदाई लंबी चौड़ी आइए इतनी राजी करे पादी लाव रावे इतनी राजी करे जगदम्बे मात की तो वी छतरी के चारों मेरो चौड़ी चौड़ाई 21 हाथ 21 हाथ तो चौड़ी और सात हाथ गहरी एक खई खुदवा देवे और बने खई का मायने बादशाह काई करे वे मोटा मोटा लकड़ा भरवाया वणी खाई के मां पूरी मां के ससी रयो बादशाह ये लगा रे भगवती लाई रे एकली राज करे पादी लाव मिरावे एकली राज करे
बोलो जगदम्बे मात की। बड़ी लंबी चौड़ी खाई का मैंने पासिया, मोटा मोटा लकड़ा भरवा देवे और मैंने भादी लगा देवे, चारों मेरे सेना को पैरों लगा देवे, बड़ी छतरी का मैंने बादशाह और हुरमा दो तोड़ जावे। और बेटा 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 देखो कहीं युक्ति करे है, 1636 के संवत वार मिलो शनिवार, अब पाती लिखने भेजी बादशाह अपना निज सेवक की लारे रे एक लीली लाची करे, पाती लाव मेरा एक लीली लाची करे, सुर वीर श्री लारे एक लीली लाची करे। बोलो जगदम्बे मात की। तो अत्रो जाप तो करो और बादशाह 1636 संवत में शनिवार के दिन एक कागज लिख और बादशाह अपना सेवक का लारे भेजे और बड़ी कागज में लिखे के पाती लेकर आवियो यो गढ़ दिल्ली को दू, तीन दना में नुकसान करे तो मैं जद जानू रजपूत रे एक लीलाजी करे, पाती लाव मेरा एक लीलाजी करे, बोल जगदम्बे मात की। तो वो दूध आवे और कागज में लिखियो के पाती लेकर आवियो गढ़ दिल्ली को दूध, तीन दना में नुकसान करे जदि जानू थने रजपूत, तीन दना का महीने जो तू मारे कहीं कहीं नुकसान कर देवे है तो तू रजपूत की औलाद है। अत्री बात सुनते पहले महाराणा प्रताप को खून खून खोल उठे और महाराणा प्रताप के रवि जो अगर सामने है वे तो अत्रा टुकड़ा कर दो कि गिनबा वालों नहीं मिले है। तो महाराणा प्रताप ने बड़ो पश्चाताप है वे और बड़ो दुख है वे, अगर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के साथ है, अगर सिंह जी केवे रेंदाता महाराणा प्रताप क्या लागा अगर सिंह जी ने ऐसो कोई देव नहीं जो आपा ने बतलावे, अगर सिंह जी फरमावे अंदाता इमे होशियारी भी था मेरे एक लीली राजी करे, पाती लावे रावे बोलो जगदम्बे मात की। तो बड़ी टेम में महाराणा प्रताप और अग्र सिंह जी उदयपुर निवास स्थान, तो वो दूत उदयपुर में आवे या बात जैसे आने महाराणा प्रताप के सामने आवे तो महाराणा प्रताप ने अग्र सिंह जी की रंदाता यो अच्छो मोटो कागज लिखवा लो, कोई रस्ते चाल तो नहीं है, वो उनका जाप्ता में विराजमान है, अरे आप ही में बिल्कुल सही सोच समझ निर्णय ले वो। तो महाराणा प्रताप के में ऐसो कोई देव नहीं जो आपने बतला वैसा कोई देवता भी कोने जो आपने आण के देव नहीं जगह है, यदि अगर सिंह जी क्यों रंदाता ही में होशियारी भी छावे।
तो महाराणा प्रताप अगर सिंह जी ने कहे कि आप तो चित्तौड़ पर चला तो कहीं ना कहीं आपने सुराग मिल सके, पर तीन दिन में नुकसान करनो है। और चेतक ने महाराणा प्रताप केवल युद्ध में ही काम लेता, तो अगर सिंह जी क्यों दाता आपसी करो कि सांड की सवारी कर काटो, सांड सवारी करो अंदाता, कर कर मन में जोश, या बीकानेरी सांड पहर में, अरे जावे रे चोरियासी कोस रे इंगिलंगिराजिनरे, अरे जावे रे चोरियासी कोस रे इंगिलंगिराजिनरे, बोलो जगदम्बे मात। तो महाराणा प्रताप अगर सिंह जी लिखे हो रहे इस सांड का ऊपर बैठ जाओ तो दस दर भी चीत और नहीं जाओगे अंदर तक, ये असी सांड कौन है, अरे का ऊपर विराजमान भेजो, ये बीकानेरी सेंड है जो एक पैर में चोरे से कोस चाले। तो महाराणा प्रताप और अगर सिंह जी दोनों विराजमान है जावे, ये पवन गति सुचालीसा, अरे नहीं पड़वा दे रात, अगल शीश की महाराणा बिराजा, आपनी ले बंदूका हाथ रे एकली विराज करे, ले बंदूका हाथ रे एकली विराज करे, जगदम्बे मात। तो वह सांड हवो बाता करते लगी, दिन आता आता तो चित्तौड़गढ़ में पहुंची जावे, भोजवाड़ा का मायने जा उठे रुकी और कई बात पड़े, ये दिन आतन की टाइम में जद पहुंचा गढ़ चित्तौड़, भोजवाड़ा के माय मिली दो, अब सास बहू की छोड़ रे एकली विराजी करे, सास बहू की छोड़ रे निकलन विराजी करे, ए बाबी लाल राम निकलन विराजी करे, घर में रहता भी का बाना और रुके है, रुकते ही पहले बाहर यार केबल लगा, आज माते भला पदाया, अरे भलो जो गिजो, अरे कई काम मांगा सो पड़ियो, के वो महीपद मारान रे निकली राज करे, बाजी लावी राव निकली राज करे, बोलो जगदम्बे मात। तो हवजी बाना आने के रंदा था ऐसे कोई मोटो काम पड़ गयो जो माँ का घगरे पतारिया, माँ का बाना आबा को मेवाड़ नार ने ऐसे कई काम पड़ गयो, यदि महाराणा प्रताप के भी थाको माँ का कई लड़ो देड़ो कौन है, अरे नैने अंदा था बता दो तो पेड़ी आपका भूडो का उतरियो लगो है, कई बात मेरी है। तो महाराणा प्रताप नगर सिंह जी के अंदर था देगा कैन तो देख लो कजना हटू के सुराग लाग जावे, तो महाराणा प्रताप केवल लगा,
अड़ी ढाल सो ढाल दीदी रजपूती की आन तीन दना के मायने मने है अरे करणो है नु किसान रे निकली राजी करे करणो है नु किसान रे निकली राजी करे पादीला मीरा अब निकली राजी करे महाराणा प्रताप केवर अड़ी ढाल सु ढाल दीदी मने रजपूती की आन तीन दना के मायने मने करनो है नुकसान कहीं कहीं नुकसान करो यदि मारे दिल ने चैन आवे तो हाउजी क्यों बस ऐसी बात है कि हाँ महाराणा प्रताप अगर सिंह जी चक्कर में पड़ गया आपा तो उतना घबरा रिया रिया जी तेरी बस यही बात है तो वे हाउजी काई क्यों साढ़ा चार सौ बरस उमरिया मैं अन्न आप को पावा पाछिया आपने भोजन जी मावा पहले काम आपको कर आवारे निकल जाए पहले काम आपको कर आवारे निकल जाए करे पादीला मेरा के साढ़े चार सौ बरसों में ना आपकी मेवाड़ धरा को अन्न जल ग्रहण कर रहा हूँ और आप तो निश्चिंत रहे वो पहले आपको काम करना पछे आपने भोजन जिमावा पर पहले आप भोजन कर लो तो बहुत बढ़िया बात है पहले भोजन करो भाव से पछे कर लो थोड़ो विशेष अरे पढ़ दे रखो बात राणा जी ये सगतिया सारे काम वो एक राजी करे अरे सगतिया सारे काम वो निकल राजी करे पादी राम निकल राजी करे बोलो जगदम्बे मात की पहले भोजन करो भाव से पचे कर लो थोड़ो विश्राम राणा जी अबार थोड़ो टाइम घट रियो है इले आप ऐसे करो पहले भोजन कर लो पचे थोड़ो विश्राम कर लो और बाकी आधी रात पहले पहले थाको काम पूरो कर देवा तो हौजी को नाम हो हरगु और बीनली को नाम हो कर्मा तो अब हाउजी बीनड़ी ने की लगा अरे सासू के वे सुनो बीनड़ी थोड़ा कनेड़ा आओ अरे गंभीरी की तट फीफड़ो मोटो तो वाने उरो रे बुला मोरे इकली की राजी करे वाने उरो रे बुला मोरे इकली राजी करे बोलो जगदम्बे मात की तो बीनड़ी ने हौजी के थोड़ा अरमा हो और गंभीरी नदी की तट का ऊपर जो मोटो फेफड़ो है वह बुला लिया हो तो बीनड़ी गंभीरी नदी की तट पे जावे और फेफड़ा ने कह रहे फेफड़ा
तने मारा हाउजी बुला रिया है तो फीफड़ो उठे आगे आगे फीफड़ो और लार लार बीनड़ी और घर का बाने आणो उबो जावे महाराणा प्रताप ने और अगर सिंह जी ने के अंदर था अबे को ऊपर विराजमान है जाओ और आंखिया ने थोड़ी पर बांध लीजियो ताकि वो फेफड़ों कतरा की स्पीड पे जाए के ध्यान करने इले आंखिया ने पूरा बंद कर दीजियो। दोई खड़पति बैठिया और बंद कर ली ना लेण छतरी के पिछवाड़े उतार दिया ये ढड़तिया धीरे वो निकल गिरा ढड़तिया धीरे वो निकल गिरा करे ओ बाटी राम निकल गिरा करे सोर वीर सिरदार रे निकलगी राजी करे बोलो जगदम्बे मात की। तो आधी रात का उतार देवे सत्य क्यों अंदाता वो आपको स्वीकार है छाओ भावो जो कर लो तो कहीं करे ये सुकमर सूतो बादशाह जदी राणा जी की नो विचार अबे चोटी मूछ दुनिया की काटी अरे काटी कठन कटार रे निकलंगी राजी करे काटी कठन कटार रे निकलंगी राजी करे सूरवीर सिरदार निकलंगी राजी करे तो महाराणा प्रताप बादशाह की मौत और हुरमा को पट्टो उतार ले। अब महाराणा प्रताप मन में विचार की दर दुख गुणों देर है एक तो काम अटे तमाम कर दो अवसर पारा ना जी काटी कमर कसी तलवार अरे खबरदार जब पीर बोल गया इके में हारे पेरा धार रे निकलंगी राजी करे इके हाँ में पेरा धार रे निकलंगी राजी करे बोलो जगदम्बे मां महाराणा प्रताप तलवार काटी नशानी पीर की ओर खबरदार नू तो दे दो जत्रो काम कर काट दियो अबे जो अगर आप और कहीं करो ला तो मैं इके पेरेदार हां तो महाराणा प्रताप ने बड़ो मन में अफसोस है वे और के भाई धर्म के साथी कोई नहीं इके पीर पेरादार कहे पीर सुनो राणा जी लारे नाड़ो नजर पसार रे निकलंगी राजी करे आधी लाओ राम रे निकलंगी राजी करे बोलो जगदम्बे मात तो महाराणा प्रताप के लिए धर्म के साथी कोई नहीं कि पीर पेरादार कहे पीर सुनो राणा जी लारे नाड़ो नजर पसार महाराणा प्रताप ने क्यों के थोड़ा लारे नाड़न देखो कि आपके भी साथे कौन है दशानी महाराणा प्रताप पाछे मुड़ देखे तो कई दृश्य देखे एक लिंग नाद्या शिवारी बम बम भोले ये सिंह सवारी मात काल का ले खांडो खबर हाथ रे निकलगी राजी करे
बोलो जगदम्बे माति की। तो शंकर महाराणा प्रताप जिसानी पाछे मुड़ देखे तो शंकर भगवान और मात काल का दो ही देख और महाराणा प्रताप की मन में थोड़ो अगर इतनी आपने भी साथे है पीर के वे राणा जी थे तो एड़ो ही मन में विचार कर गया हो बाकी ये दो सत्य है जी गणी है के बहु बेटी पीपल कने और सासु आई लार ये दो ही सकत्या घड़ी वो राणा जी हे तो एड़ो करो रे विचार रे निकल की राजी करे एड़ो करो रे विचार रे निकल की राजी करे बोलो जगदम्बे माति की। तो के बहु बेटी पीपल के मेर सासु आई लाल ये सगत्या भी बहुत ही होशियार है जो बीनड़ी ने फीपड़ा ने के बटाण नहीं हौजी था के साथ आ यार बाकी दो ही साथ आ जाती तो फीपड़ा ने गमा देता जे पाछो जाबा कोई काम कोने हो इले ये दो सत्य है जी इले है आप एलो विचार कर रिया हो पर महाराणा प्रताप एक कागज लिख और हाथियों हाथ देवे ये कागज लिख हाथा दियो अब थने जाऊ जीव तो छोड़ अब रण में सामो मिल जे मती रे थारा टुकड़ा कर दू तोड़ रे निकल की राजी करे टुकड़ा कर दू तोड़ रे निकल की राजी करे बोलो जगदम्बे माति की। हाथों हाथ कागज लिख और बादशाह ने पकड़ा दियो के कागज लिख हाथा दियो थने जाऊं जीव जीव छोड़ रण में सामो मलजे मती नीत टुकड़ा कर दू तोड़ अतरा टुकड़ा करू लागे गणवा वालो नी मिलेला अतरो लिखते पहले महाराणा प्रताप और अगर सिंह जी कोई सत्या पाछे आ जावे ये पीपल चढ़िया सूरमा आया चित्तौड़ धरा के मां साढ़ा 300 बीघा जागीरी दोई सगत्या ने दीनी बगीचाई इकी लगी जागी करे बाजी राम राम इकी लगी जागी करे अरे बाजी बोलो जगदम्बे माति की। तो पाछा चित्तौड़ धरा में आ जावे और 350 बीघा जागीरी दोई सत्य ने बक्सा देवे और अंत में लिखे के जे जड़ राखे कर्म को अब ते ही रखे कीर्ति सूरा और वीरा की गाता ने यो कथ गावे ओंकार रे निकलई राजी करे ये कथ गावे ओंकार रे निकलई राजी करे और ये रिदम नरेश कुमावत रिकॉर्डिंग करता बालाजी साउंड सिस्टम डाकखेड़ा और आपके सामने ये गायक भेरू कुमावत चावंडिया करेड़ा और कुछ भी गलती हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ करे ए बादीला मिराब निकली राजी करे अरे निकली राजी करे ओ हे निकली राजी करे हे निकली
बोलो जगदम्बे माता की।